सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ हजरत निजामुद्दीन दरगाह गाइस, जो काफ़ी अच्छा एक दरगाह है दिल्ली का, सबका तमन्ना होता है यहाँ पे आने के लिए। तो फाइनली आपका भाई भी यहाँ पे आ चुका गाइस, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायलेशन हो रही है। थोड़ा सा आप लोग को अंदर लेके चलेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेशन हो रही है ना गाइस। कैसे भी कैसे मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की गाइस, आप लोग जब यहाँ से अंदर एंट्री करोगे तो आप लोग के सामने एक मरगज है गाइस, इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगा। तो लेट्स गो, थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ गाइस। सो फाइनली गाइस मैं आप लोग को एक नोटिस बता दूँ, जब आप लोग यहाँ से जाओगे तो बहुत सारे लोग आप लोग को मतलब ये बहुत सारे चद्दर मतलब जो लोग बेचते हैं वो लोग बोलेंगे कि आप यहाँ पे जूते लिखा तो आगे मतलब एंट्री नहीं होगी जूते रखने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आगे भी आप लोग जूते जाके लिखा सकते हो। यहाँ पे मेरे सामने आप लोग देख सकते हो, इसको बोलते गाइस मरगज, मतलब इसको बोलते मरगज। यहाँ पे एशिया के लोग आते गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है इसके बारे में, कुछ मतलब एक साल पहले यहाँ पे कुछ मसला भी था, वो अभी अल्लाह का करम है सही मतलब हो चुका। उसने उस मसले के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है, मतलब उतना पता भी नहीं है, बस इसके बारे में सुना था। ये नाम मरगज जहाँ पे एशिया के लोग आते हैं, यानी 150 देशों के मतलब 150 देश से भी ज़्यादा लोग आते हैं, पूरे देश के लोग यहाँ पे आते गए थे वो मरगज से, आप लोगों को पता होगा। तो उतना तो ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बस जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब जैसा मैंने बहुत दिनों से मैं देखता आ रहा हूँ, पूरे मतलब लोग यहाँ पे आते हैं इंडिया के नहीं, अदर कंट्री के काफ़ी ज़्यादा, पूरे एशिया के लोग यानी पूरे कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं। तो जब आप लोग निजामुद्दीन दरगाह जाओगे तो बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। तो लेस को थोड़ा सा आप लोगों को आगे लेके चलेंगे गाइस, एंड दरगाह के पास भी लेके चलेंगे, और जितना मुझसे नॉलेज है, मुझे जितना मालूम आता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड सब कुछ दिखाऊंगा। तो आगे का सीन आप लोग चेकआउट कर सकते हो गाइस, काफ़ी तेज लगा हुआ है भूख, तो कुछ खाएंगे भी, क्योंकि गाइस यहाँ की जो मतलब बिरयानी उरयानी होती है काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, काफ़ी अच्छी होती है, वो भी ट्राई करेंगे क्योंकि काफ़ी तेज भूख भी लगा है। तो पहले किसी शॉप पे चलते कुछ खाते फिर मिलेंगे। तो फाइनली गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दरगाह के आप लोग जाओगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे आप लोगों को मिलने मिलेगा, मतलब खाने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप यहाँ पे रहते हैं, मतलब आराम से आप लोग खा सकते हो। तो मैं भी एक शॉप पे आ चुका हूँ यहाँ पर खाने के लिए, एंड मैंने ऑर्डर किया गया यहाँ पे देख सकते हो तो चिकन कोरमा, तो आप मेरे सामने आप लोग देख सकते हो, काफ़ी यहाँ पे बीच में खाने मिलते गए। अगर आप दरगाह के पास जाते हो तो मैं तो बोलता हूँ एक बार जरूर ट्राई करूँ खाना, किसी भी मतलब शॉप पे जाके खा सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो फाइनली खाना मेरा ख़त्म कर देते हैं, फाइनली गाइस खाना पीना तो मस्त हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जा रहे हैं दरगाह के अंदर गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा मार्केट है, जो क्लियरिटी आप लोग को नहीं मिल पा रही होगी क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जाने के टाइम में। एंड एक बार मैं बोलूँगा गाइस आप लोग आके जरूर ट्राई करो कुछ खाने का, क्योंकि बहुत ही टेस्टी खाने मिलते हैं यहाँ पे। तो आएगा सीन आप लोग चेकआउट करो कुछ, तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग आती है वहाँ पे। तो फाइनली गाइस जब आप लोग अंदर जाओगे तो ऐसे ही लोग परेशान करेंगे, बोलेंगे चप्पल निकाल रहे हो यहाँ पे रखो, तो आप लोग इस बात को मत मानो, आगे तक जाओ, आगे आप लोग को चप्पल आराम से निकालने का जगह है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो गाइस। जब आप लोग दरगाह के आगे आओगे तो ऐसे ही आप लोग को लोग बोलेंगे, एंड अंदर लेके चलता हूँ गाइस क्योंकि ज़्यादा क्लियरिटी मिल नहीं रहा है, तो लेट्स गो थोड़ा सा अंदर लेके जाता हूँ। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप लोग अपने शूज को रख सकते हो, यहाँ पे टोकन मिलेगा, आपका शूज पूरा सेफ रहेगा। तो ये है दरगाह के अंदर जाने का, तो थोड़ा सा अंदर लेके चलते फिर थोड़ा अच्छी आवाज़ में बोलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं अंदर एंट्री कर चुका हुआ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक और दरगाह है जिसका नाम है गाइस अमीर खुसरो बाबा, इस दरगाह का नाम है, वो भी काफ़ी एक बड़े तक सकते हैं, उनका यहाँ पे है गाइस मज़ार, जो आप लोग देख सकते हो। पहले यहाँ पे जाते हैं फिर वहाँ पे जाते हैं, तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है तो बोलना थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है, एंड मतलब इसके बारे में मतलब जितना मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा, बट पहले आप लोग को पहले मैं ज्यारत कराता हूँ, मतलब पूरा अच्छे से पहले टूर करा देता हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से आप लोग को बताऊँगा सब कुछ दिखाऊँगा। तो पहले हम लोग जाएंगे इसके अंदर गाइस, यहाँ पे पहले वजू बना के मैं जाता हूँ, अंदर से आता हूँ, फिर आप लोग को लेके चलेंगे हजरत निजामुद्दीन दरगाह, वहाँ पे आ गाइस, वहाँ का भी सीन आप लोग को चेकआउट कराएंगे। तो पहले जाते वजू बना के जाते हैं दरगाह के अंदर, फिर वहाँ से आते हैं, फिर आप लोग को वहाँ से लेके वहाँ पे लेके चलते हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास। तो गाइस मिलते कुछ टाइम बाद। तो फाइनली गाइस अभी हम मिल चुके हैं हमारे एक अंकल, जो इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा मालूम है दोनों दरगाह के बारे में और इस जगह के बारे में। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे जितना नॉलेज है वो तो आप लोग को बताऊंगा ही, और कहीं ना कहीं मतलब जिनको ज़्यादा नॉलेज है उनसे थोड़ा बहुत राय लिया जाए और आप लोगों तक मतलब पूरी इसके बारे में मालूम पहुँचाया जाए। तो हमारे अंकल इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे। मेरा नाम वसीउद्दीन है। जो आप इस दरगाह को जो अभी आपके सामने दरगाह है, जो ये दरगाह सामने वाली दरगाह, ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। इसमें हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत निज़ामुद्दीन के मरीद थे और खलीफा थे। इन्होंने गायकी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया भारतीय संस्कृति में, जिसमें से इनका तबला के आविष्कार में इनका नाम आता है। इन्होंने तबला का आविष्कार किया था और उर्दू अरबी और फारसी के बहुत बड़े शायर थे हज़रत अमीर खुसरो। उधर आप देख रहे होंगे उस तरफ, वो
ये एक कदीमी मस्जिद है, मस्जिद है वो भी आगे चल के आपको दिखा दूंगा मैं। और ये मस्जिद ये अकबर के पीरियड में या उस गालिबन से पहले तामीर कराई गई थी। उसके बाद जो आप इधर ये गुंबद देख रहे हैं, ये वाला गुंबद ये सामने हजरत निजामुद्दीन, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह की दरगाह है। और इनका पीरियड खिलजी वंश के पीरियड के टाइम पे था, और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो मोतकिस था इस दरगाह का। और यहाँ पर एक पुराने वक्त में एक खानकाह चलती थी जिसमें कई सारे देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए उस खानकाह में, और इस्लामिक तालीम हासिल करते थे और सुधरते थे। ये इसकी तारीफ है और बाकी डिटेल भाई आपको आगे बताएंगे। बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलके, और अंकल बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे दर्शकों तक आपने इतना कुछ बताया। मतलब इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं हो पाता है क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे समझ सकते, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच अंकल। तो फाइनली गाइस बहुत ही अच्छा लगा सुन के, मतलब और आगे आप लोगों को लेके चलूंगा और सब कुछ दिखा भी दूंगा। आगे निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन दरगाह भी होगी, आप लोगों को चेकआउट कराऊंगा। उससे पहले चलता हूँ, पहले वजू बनाता हूँ, फिर इस दरगाह से आता हूँ, फिर आप लोगों को उस साइड लेके चलता हूँ, फिर मिलता हूँ। और गाइस एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, यहाँ पे बहुत सारे कबर आप लोगों को दिख रही होंगी। गाइस यहाँ पे बहुत सारे कबर है जिनका नाम तो मैं पता नहीं सकता, इतना तो मुझे मालूम नहीं है। मतलब बहुत सारे कबर है जो आप लोगों को दिख रही होगी इधर गाइस, ये मतलब बहुत सारे कबर है यहाँ पे, और इसके बारे में थोड़ा सा आगे जा के पूछेंगे किसी से। तो पहले जाते गाइस दरगाह के अंदर से आते फिर मिलते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे रहा हजरत निजामुद्दीन दरगाह। गाइस आप लोग को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, इतनी पब्लिक है ना गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। थोड़ा सा आप लोग को आगे लेके चलता हूँ, फिर आप लोगों से अच्छे से बातें करता हूँ, इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है गाइस। तो लेट्स गो, थोड़ा सा आगे आप लोग को लेके चलते हैं। एंड यहाँ से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा क्राउड है गाइस। एंड मैं दोनों दरगाह से बाहर आ गया वो भी था, एंड अभी आप लोगों को अच्छे से सब कुछ बताऊंगा आगे चल के। इतनी ज़्यादा क्राउड है, मतलब वहाँ पे तो देख सकते हो पूरा चद्दर अंदर से, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे पब्लिक पूरी मेरे वजह से पब्लिक को भी दिक्कत होगा, तो मेरे को थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते गाइस, इसके बारे में सब कुछ बताते हैं, आगे लेके चलता हूँ फिर। सो फाइनली गाइस यहाँ से आप लोग दरगाह चेकआउट करो, हजरत निजामुद्दीन दरगाह यहाँ पे देखें, यहाँ से आप लोग चेकआउट करो गाइस। जैसे अजमेर शरीफ में जैसे मतलब लगता है बैठने के बाद, वैसे ही सेम यहाँ पे भी लग रहा है। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आके थोड़ी बहुत बैठी है, देख सकते हो आप लोग गाइस, क्योंकि ये मतलब चद्दर लगा दिया है इसमें, मतलब चद्दर लगाया गया है, मैंने बोला लगा दिया, मतलब चद्दर इसलिए लगाया गया है गाइस क्योंकि काफ़ी तगड़ा धूप हो रहा है। आप लोगों को पता होगा दिल्ली की धूप कितना तेज है, इसलिए लोगों को बैठने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए लगाया गया है। एंड पीछे आप लोग देख ही सकते हो ऐसा कुछ सीन है। तो गाइस थोड़ा सा आप लोग को एक स्लोमो शॉट दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद उस साइड लेके चलता हूँ, उस साइड लेके चलता हूँ, और सब कुछ इसके बारे में मतलब दरगाह शरीफ के बारे में बताता हूँ, हजरत निजामुद्दीन दरगाह शरीफ के बारे में। तो जिसको आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट आगे लेके चलता हूँ। फाइनली गाइस सभी हम लोग जा रहे हैं बावड़ी के पास, आप लोगों को पता होगा गाइस जो तालाब के जैसा ही है मतलब लगभग, एंड मुझे पता नहीं कैसे जाते। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ बावड़ी के पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई इस जगह को, जहाँ पे पहले के टाइम पे लोगों को पानी पीने के लिए बनाया गया था ना भाई, बहुत नहाने के लिए बनाया गया था बहुत पहले का, मतलब ये दरगाह पे बहुत ज़्यादा फेमस है ये चीज़। और लोग बताते हैं कि यहाँ पे आप लोग ये धागे को जब बांधोगे तो आप जो भी दुआ मांगते हो पूरे होते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट बोलिए। इसमें अगर आप नहाएंगे तो आपकी सारी बीमारी नहीं रह जाएगी। अच्छा, पूरी बीमारी सही हो जाएगी। हाँ, सही हो। और गाय से दरगाह के तरीके का ज़्यादा फेमस है पूछो मत आप लोग, अगर आप लोग आते हो जरूर यहाँ पे आना। और यहाँ पे अंकल बताया था कि इस धागे को अगर आप लोग बांध के कुछ भी आप दुआएं मांगते हो पूरी होती है इस जगह पे, अगर आप लोग बांध के अगर इस दुआएं मांगते हो तो हो सकता है इंशाल्लाह पूरा भी हो जाए, इंशाल्लाह पूरा भी होता है बहुत सारे लोगों का। आप भी लोग आके एक बार जरूर ट्राई करना, मैं अभी लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत सारे तमन्नों के साथ मेहनत करता हूँ, जरूर दुआ मांगना चाहिए। एंड आगे भी आप लोग को लेके चलेंगे, उससे पहले इसको पूरा बांधते हैं। सो फाइनली गाइस ऐसा कुछ सीन है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कैसा है। यहाँ पे अंदर जाएंगे तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोग नहा भी रहे हैं, और इसका जो मेन जो गेट है ना गाइस वो भी आप लोग को चेकआउट कराएंगे। थोड़ा सा आप लोग को आगे लेके चलेंगे, फिर मेन गेट भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से फोकस ज़्यादा होगा, मतलब सूरज भी उसमें आ रही होगी इसलिए सही से दिख नहीं रहा होगा गाइस, काफ़ी अच्छा जगह है। एंड इसके बारे में जो मालूम था गाइस तो अंकल ने काफ़ी अच्छे से आप सभी लोगों को बताया, और आशा करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। यहाँ से आप लोग को चेकआउट कराता हूँ और फिर बाहर लेके चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। एंड यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो ये मेन गेट गाइस, ये बावड़ी की जो मेन गेट है ना गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नहाने के लिए। तो ये आप लोग देखो कितने ऊपर से लोग कूद रहे हैं वहाँ से देखो, मतलब यही जो मेन गेट है ना गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो अच्छे से। तो आप लोग को थोड़ा सा स्लोमो शॉट दिखाता हूँ, फिर बाहर लेके चलता हूँ, फिर इसके बारे में सब कुछ आप लोग को बताता हूँ। वहाँ से लोग कूदते हैं, वहाँ से जो बच्चे हैं ना गाइस वही सब कूदते हैं इसमें,
देख लो कितने ऊंचाइयों पे है गाइस, आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हो, अंदाज लगा कर बताओ कितने ऊंचाइयों से सब कूद जाए इसमें। और पता नहीं कैसे कूद रहा है, मैं तो गिरूंगा मैं तो इधर वैसे ही डर लगता है, मैं तो गिर जाऊंगा। यहाँ से अभी आप लोग देखो ऊपर से सब कूदते हैं नीचे तक, इतना मतलब पता नहीं कैसे। सो फाइनली गाइस मैं सीधा बैठ चुका हूँ ऑटो में गाइस, एंड मैं आप लोगों को बता दूँ तो इतनी ज़्यादा वायलेशन वहाँ पे हो रही थी, एंड यहाँ पे भी पोगो अब आप लोगों को सुन रहे थे, इतना हारन बज रहे हैं, मतलब ज़्यादातर अब वायलेशन ही वायलेशन है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। एंड अभी मैं जाता हूँ सीधा घर पे गाइस, घर पे जाके मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा ए टू जेड, एंड मैंने तो आप लोगों को दिखाया अभी, और अभी जाके घर पे सब कुछ बताऊँगा। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करो, देख लो आपको कितना ज़्यादा हारन आ रही है, तो देखो घर पे जाता हूँ, घर पे जाके मिलता हूँ। फाइनली गाइस मैं तो घर पे आ चुका हूँ गाइस, एंड में जैसे आप लोगों ने देखा अंकल ने सब कुछ बताया, वही उसकी पूरी इतिहास थी, मतलब पूरा निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन दरगाह का पूरा इतिहास वही था जो अंकल ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाया, आप लोगों ने पूरा देखा भी गाइस। तो मैं आप लोगों को बता दूँ वहाँ पे जाने के लिए सबसे अच्छा मतलब जगह मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, तो आप लोग को जाना पड़ेगा निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से आप लोग को बहाली करने के बाद 20 रुपये किराए लगेंगे। अगर आप लोग शेयरिंग में जाते हो तो 4 लोग 5 लोग जाते हैं, बैठ के आप लोग जा सकते हो, एंड आप लोग बुक करोगे तो काफ़ी महंगा लगेगा, 100 रुपये तक चले जाएंगे। तो आप लोग शेयरिंग ऑटो पकड़ना बैटरी वाला, उसमें बैठ जाना सीधा, और सीधा आप लोग को लेके आके छोड़ेगा निजामुद्दीन दरगाह के पास, जहाँ पे मैंने आज यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया गाइस, आसानी से आप लोग जा सकते हो। एंड इसकी मैं आप लोग को अच्छे से अच्छी टाइमिंग बताऊँगी गाइस जाने की, तो सुबह में आप लोग जाओ वही 10 बजे के बाद, काफ़ी क्राउड नहीं रहेगा, अगर शाम के टाइम में जाते हो तो काफ़ी क्राउड रहेगा गाइस। तो घूमने के लिए अगर आप लोग जाना चाहते हो तो शाम को जाओ, भीड़ रहेगा, अगर आप लोग दरगाह शरीफ पे वैसे जाना चाहते हो तो दिन में जाओ, काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड बहुत सारे लोगों का तमन्ना होता है वहाँ पे जाने के लिए, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग बना दूँ गाइस, तो इस वाले ब्लॉग को इतना रखते हैं। आशा करता हूँ कि ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट किया, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, फिर मिल सकते अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।